हेलो गाइस, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट पेपर 2। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो भी रिसेंटली डाला है जिसमें मैंने आपको बताया है कि पेपर 1 के लिए कैसे प्रिपेयर करें। उसको मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूँगी और नीचे भी लिंक कर दूँगी, आप उसको भी मेक श्योर करके देख लीजिएगा। बट आज का ये जो वीडियो है, इट इज़ फोकस्ड ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट पेपर 2। इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे गाइस? यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे पैटर्न क्या है पेपर 2 का, बाइफर्केशन ऑफ यूनिट्स, प्रैक्टिकल और थ्योरी क्या होती है। देन यू विल डिस्कस अबाउट माई स्ट्रैटेजी, दैट इज 7:3 रूल जो है, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ। एंड देन लास्ट में हम आएंगे इन ऊपर की तीन चीज़ों को जो ध्यान में रखते हुए क्या एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी प्रिपेयर करने के लिए। उससे पहला एक डिस्क्लेमर ये है कि वैसे ये तो चैनल है, यहाँ पर मैं कॉमर्स रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ, बट ये जो वीडियो है ये ओपन टू ऑल सब्जेक्ट्स है। दैट मीन्स पेपर 2 यूजीसी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सबका यू नो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो ये वीडियो स्पेशली सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए नहीं है। बट अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है, पेपर जो है उसका जो ओवरऑल पैटर्न है वो सेम होता है, सिर्फ अंदर के क्वेश्चंस डिफर करते हैं, यूनिट्स डिफर करती हैं, बट जो स्ट्रैटेजी होती है वो सेम होती है। सो इन केस आपका कोई सब्जेक्ट दूसरा है, आप बेहिचक इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर इसकी कोई स्ट्रैटेजीज आपके काम आए तो बिल्कुल आप उन्हें यूज़ करके देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पैटर्न फॉर पेपर 2। सो सबसे पहले मैं बिगिनिंग से शुरू करूँगी और लास्ट तक आऊँगी, ताकि अगर आप एक बिगिनर हैं या पहले भी आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं क्लियर हैं, तो इस वाली स्लाइड से आपको क्लियर हो जाएंगे। मेक श्योर अगर आपको सही लगते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो एग्ज़ाम मोड जो होता है यूजीसी नेट पेपर 2 में, वो होता है ऑनलाइन। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ऑनलाइन होता है, बट यहाँ पेपर 2 की बात हो रही, सो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दैट। टोटल टाइम आपको कितना दिया जाता है? 3 आवर्स। नाउ हियर इज़ द कैच गाइस, 3 आवर्स आपको मिलते हैं पूरे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए, ओके, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों इंक्लूडेड होता है। दैट मीन्स पूरा आपको 3 घंटा दिया जाता है, जिसमें से आप अपने मुताबिक सेक्शंस को स्किप करके जब आपका मन करे पेपर 1 और पेपर 2 अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं। कोई बाइफर्केशन नहीं होता है कि आपको 1 घंटे में पेपर 1 करना है और 2 घंटे में पेपर 2 होता है, तो इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। तो टाइम को लेकर आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। टाइप ऑफ एग्ज़ाम पे आते हैं। टाइप ऑफ एग्ज़ाम क्या होता है? ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है अपनी यूजीसी नेट के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कॉमर्स चुना है तो आपसे कॉमर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 2 में। आपने हिस्ट्री चुना है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स चुना है तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या आते हैं पेपर 2 यूजीसी नेट में? एमसीक्यूज बेस्ड आते हैं। दैट मीन्स एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 आंसर्स दिए जाएंगे, ओके। आई होप आई एम क्लियर। 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन जो है वो वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन। नाउ टोटल यूनिट्स आपकी होती हैं 10 यूनिट्स होती है। अब चाहे आपका पेपर कोई भी हो, यू नो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो यूजीसी नेट में, आपके पास 10 यूनिट्स होती हैं। उन 10 यूनिट्स में से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को लेते हैं, टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चंस है और 10 यूनिट आती हैं। इसको ऐसे अगर हम यहाँ पे थोड़ी सी मैथ लगा लें, सिंपल सी डिवाइड कर दें नंबर टोटल क्वेश्चंस को टोटल यूनिट से, सो हमें कितना गाइस मिलेगा? 10 क्वेश्चंस। इसका मतलब हर एक यूनिट से ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। नाउ वेटेज ऑफ ईच यूनिट क्या हो गई गाइज? अब यहाँ पर यही 10 क्वेश्चंस ये क्या बनाता है? वेटेज बनाता है। अब 10 है और मैंने यहाँ 9 to 10 लिखा है, क्यों? क्योंकि कभी कभी इट वेरीज इन द सेंस कि हो सकता है कभी किसी यूनिट से आपसे 8 से 9 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे यूनिट से शायद यू नो 10-11 क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ। ये जो पैटर्न होता है इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, किसी भी यूनिट से कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा या कम आ सकते हैं, बट येस ऑन एन एवरेज 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी 9 से 10 क्वेश्चन के हिसाब से बनानी पड़ेगी। कुछ यूनिट से कम, कुछ यूनिट से ज़्यादा हो सकता है, वो यूनिट कौन सी होती है ये
प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सो यू हैव टू गो विद द रूल ऑफ थम, और आपको 9-10 क्वेश्चंस हर एक यूनिट से एक्सपेक्ट करने चाहिए। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। फिर आता है टोटल मार्क्स। अब यूनिट यूजीसी नेट में पेपर टू कितने मार्क्स का आता है गाइज? 200 मार्क्स का। दैट मीन्स 100 क्वेश्चन आपके हैं और 200 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। दैट मीन्स 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे पर क्वेश्चन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी इस एग्ज़ाम की ये है कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। दैट मीन्स आप आराम से तुक्का मार सकते हैं। आपको लग रहा है शायद ये नहीं ये सही है, जिसमें आप थोड़े से स्केप्टिकल हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, पर आराम से तुक्का मारिए, क्या पता सही हो जाए और उसके लिए आपको +2 मार्क्स मिल जाएँ। मार्किंग स्कीम पे आते हैं तो जैसा कि मैंने बताया 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, जिसका मतलब +2 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, राइट? हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको +2 यू नो मार्क्स मिलेंगे, बट नेगेटिव मार्किंग आपकी कहीं नहीं होगी। एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आए और आपने करेक्ट किए अराउंड 70 क्वेश्चंस, ओके? तो 70 × 2 कर लेते हैं, दैट मीन 7 × 2 = 140, आपको 140 मार्क्स मिलेंगे। अब जो रेस्ट आपने 30 जो नहीं किए, इसमें से आपने 70 कर लिए बट आपने 30 नहीं किए, तो 30 की नेगेटिव मार्किंग आपके पेपर में नहीं होगी, सिर्फ करेक्ट मार्क्स, सिर्फ करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स आपको मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। सो गाइज, इस यूनिट इस स्लाइड में मैंने बताया कि पूरा पैटर्न क्या होता है पेपर टू का। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप अभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेगा कि आपको क्या डाउट है पैटर्न के, क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है देन हो सकता है कि आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाए। आते हैं बाइफरकेशन ऑफ यूनिट्स पे। एज आई टोल्ड कि हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में, जिसको हम पेपर टू के नाम से जानते हैं, कितनी यूनिट्स होती हैं गाइज? 10 यूनिट्स होती हैं। अब आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि यूजीसी नेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से बाइफरकेट करना है पहले यूनिट्स को, कि थ्योरी में कौन सी यूनिट्स आती हैं और न्यूमेरिकल में कौन सी यूनिट्स आती हैं। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि किन लोगों की थ्योरी अच्छी होती है तो उनके न्यूमेरिकल नहीं अच्छे होते, न्यूमेरिकल में वो स्ट्रांग होते हैं तो थ्योरी में वीक होते हैं। तो आपको एनालाइज करना है गाइज कि आप किस में अच्छे हैं, थ्योरी में अच्छे हैं न्यूमेरिकल में। उसको एनालाइज करने के बाद आपको एग्जामिन करना है कि जो आपका पेपर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, थ्योरी पूछी जाती है या न्यूमेरिकल पूछा जाता है। आपको कैसे एनालाइज करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर से। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल के बीच में बाइफरकेट करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। मान लीजिए कि आपकी थ्योरी अच्छी है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में सिर्फ न्यूमेरिकल जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वही उल्टा कि आप यू नो न्यूमेरिकल्स में बहुत अच्छे हैं, थ्योरी में यू नो कम है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट ये बाइफरकेट करने से बहुत ज़्यादा आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको आगे कितनी मेहनत करनी है, ओके? इसीलिए एक पेन और पेपर लीजिए, अपना सिलेबस खोलिए और उससे, इतना तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एक यूनिट से पढ़ के आप बता सकते हैं कि इसमें कितना थ्योरी और कितना न्यूमेरिकल आएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कॉमर्स, तो वो बेसिकली थ्योरेटिकल होता है पूरा पेपर और अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से आते हैं। सो अगर आपका न्यूमेरिकल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ के और अपनी प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा और इम्प्रोवाइज करके एग्जाम को निकाल सकते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पे जो मेन मोटिव है कि ये आपके साथ डिस्कस करने का, इज दैट मेक श्योर यू आर एबल टू यू नो बाइफरकेट द थ्योरी एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट्स, ताकि आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिले, ओके? सो मूविंग ऑन फर्दर, बाइफरकेशन पढ़ लिया, पैटर्न पढ़ लिया, अब आते हैं स्ट्रैटेजी। जब आपने पैटर्न एनालाइज कर लिया, दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड। पैटर्न आप समझिए पहले, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, अभी यहाँ नेट की बात हो रही तो नेट का पैटर्न समझिए। फिर आपने यूनिट्स में देखे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कहाँ क्या चीज़ें हैं, देन आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है 7:3, ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी है और इसी को मैंने यूज़ किया है
अपने अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, नेट क्वालिफाई करने के लिए, और इसी के बेसिस पे मैंने इस एग्जाम को 3 times क्वालिफाई किया है विद GRF. सो यार इसको और थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. हालांकि मैं इसके बारे में बहुत बता चुकी हूँ, बट फिर भी अभी एज ए टोल्ड फोकस है आपका 10 units. सो यू हैव टू प्रिपेयर 10 units. 10 units हैं आपकी. 10 units में अब आपको लोग क्या करते हैं और इसलिए फेल होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि 10 units हैं, उनको 10 units प्रिपेयर करना है किसी भी कीमत पे, बिकॉज ये एग्जाम में उनको एकदम टॉप करना है एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स वेरी गुड अगर आपके पास ऐसी स्पिरिट है तो, बट देन UGC नेट इज ऑल अबाउट डूइंग स्मार्ट वर्क रैदर देन हार्ड वर्क. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है और अपनी स्ट्रैटेजी को ऐसे करना है कि मान लीजिए आपकी 10 units हैं, देन यू हैव टू सेग्रीगेट अगेन, यू हैव टू बाइफरकेट. 7 units आपको एक कैटेगरी में रखनी है और 3 units आपको एक कैटेगरी में रखनी है. क्यों ऐसा होगा? उसको ऐसा करने से क्या होगा, आपको पास एक फोकस पॉइंट होगा. पारेटो प्रिंसिपल सुना है ना, 20% मेहनत करके 80% रिजल्ट जिसमें मिले वो चीज़ करनी चाहिए. तो वही आपको अपने UGC नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए करनी है, नो मैटर वॉट एवर योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर इज. सो नाउ 7 units हैं आपकी गाइज, तो 7 units में आपको फोकस हो जाएगा कि भाई मुझे 10 तो हैं, बस मुझे 7 units पर फोकस करना है और इससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए मुझे इसका आंसर तो मुझे देना ही होगा. तो वहाँ पे आपका कंसंट्रेशन जो है वो एक लाइन हो जाता है, एक लाइन में अलाइन हो जाता है. ओके, तो 7 units. अब आप जहाँ 10 units पढ़ते हो तो ज़्यादा टाइम लगता, अब आपने बाइफरकेट कर दिया, जो 10 units को टाइम देते हो आप 7 units को देते, तो एक जो एक्स्ट्रा यहाँ पे टाइम मिल रहा है ना उसको आप लीवरेज कर सकते हैं इन 7 units को बहुत ही ठोस तरीके से प्रिपेयर करने में. ओके, और एम ये करना है कि इसे कोई भी क्वेश्चन ना ही, यू आर एबल टू सॉल्व. इतना अपने अंदर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है. ओके, सो कॉन्फिडेंस कभी कभी ये होता है कितना भी प्रिपेयर कर लो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाते, कुछ टफ क्वेश्चन आ जाते, तो एकदम शॉर्ट शॉर्ट भी नहीं कि आपके क्वेश्चन सही हो जाए. हो सकता है आपने 7 units का एम किया, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके कम हो जाए, आप नहीं दे पाए, तो उसको आप कैसे कंपनसेट करोगे इन 3 units से. मैंने अभी नहीं बोला कि इन 3 units को आपको छोड़ना है, छोड़ना किसी को भी कुछ भी नहीं है, बस इन 3 units को आपको क्या लेना है, ओवरव्यू, जो 3 remaining units होंगी. अच्छा एक बात यहाँ पे है कि 7 और 3 को बाइफरकेट कैसे करना है, बांटना कैसे कि हाँ 7 करोगे 3. तो देखिए मैंने अभी बताया कि सारे यूनिट्स का वेटेज ओवर एंड ऑल सेम होता है, 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो यहाँ 7:3 यू हैव to do it based on your interest. Interest means जो यूनिट पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, जिस यूनिट को क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आती है, इंटरेस्ट लगता है, उसको आप 7 units वाली कैटेगरी में रखो. जो थोड़ा बोरिंग लगता है उसको 3 units में रखो. अच्छा 3 units में वॉट इज द मीनिंग ऑफ ओवरव्यू? ओवरव्यू मीन्स गाइज कि मान लीजिए आपने 3 units छोड़ दी और बाई लक उन 3 units में बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ गए. ईजी एज इन कि थोड़ा बहुत पढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, आपने तुक्का मारा, तुक्का मारने के लिए भी कुछ आना ज़रूरी है ना. तो उन 3 units का आप एक ओवरव्यू लीजिए. ओवरव्यू कैसे ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़िए, कुछ उठते बैठते जब इन 7 units से बोर हो गए तो इन 3 units पे आ गए, कुछ पन्ने पलट के पढ़ लिए, कुछ नोट्स देख लिए. तो ऐसे क्या होता है कभी कभी जो आप चीज़ कम पढ़ते हैं वो एग्जाम के टाइम पे क्लिक कर जाती है एकदम से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो अब क्या होगा, जो यहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो गलत होंगे, वो कहाँ से कंपनसेट हो गए गाइज? इन 3 units से कंपनसेट हो गए, है ना. तो यहाँ पे जो भी 3 units से आपको मार्क्स मिलेंगे दैट विल बी व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इसके लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया, ये आपके बोनस मार्क्स होंगे. तो ऑल इन ऑल ये जो आप स्ट्रैटेजी अपनाएंगे 7:3 वाली, ये ओवर एंड ऑल आपको जब 7+3 करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट देगा. ओके, सो 7:3 करोगे तो एकदम आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, आपको एक बैलेंस हो जाएगा. इसीलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगी और एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर रिजल्ट अच्छा है तो डू शेयर विद मी. ओके, सो ये था ऑल अबाउट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. नाउ मूविंग फर्दर, बेस्ट वे टू प्रिपेयर. नाउ बेस्ट वे टू प्रिपेयर आई वुड सजेस्ट इज टू हैव प्रीवियस ईयर पेपर्स. नाउ प्रीवियस ईयर पेपर्स हम सभी के पास होते हैं, इट्स वेरी इजिली अवेलेबल, बट उसमें भी एक ट्रिक होती है. उसमें क्या ट्रिक है गाइज, उसमें ये ट्रिक है कि सॉर्ट करना. अब आप बोलोगे सॉर्ट करना क्या होता है, सो सॉर्ट इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग, अलग अलग छाटना हिंदी में बोले तो. सो फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 units हैं, तो आपने क्या किया, पहले यूनिट का एक फोल्डर बनाया ना, फोल्डर बनाया,
So now folder can be in the form of hard copy or soft copy. Soft copy आप online भी कर सकते हो, hard copy में भी कर सकते हो. So जो folder बनेगा वो पहले unit का बनेगा, उसमें आप सारे questions जो उस पहले unit से आए पिछले 10-12 सालों में वो लिख दोगे. Then आपका दूसरा folder बनेगा, उसमें आप questions लिख दोगे जो उस particular unit से आए. आपको हो सकता है थोड़ा छाटने में थोड़ा time लगे, because कभी कभी units बहुत ज़्यादा questions जो होते हैं बहुत ज़्यादा confusing होते हैं और आप bifurcate नहीं कर पाते हो, but ये आपको over a period of time learn करना है. Then third unit के questions एक में लिख लिए, fourth unit के questions लिख लिए. When I was preparing, I used to write it down with the pen and paper, and it used to take around 10-12 hours for a single unit. So आप सोचो कि paper 1 के लिए करना पूरा, फिर paper 2 के लिए पूरा करना, तो बहुत ज़्यादा time लेगा. But also I enjoyed that journey very much. और आखिरी में उसने बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स दिए. इसीलिए व्हेन आई स्टार्टेड माय चैनल, मैं शुरू से ये सॉर्टिंग वाली टेक्निक आपको बताती हूँ. एंड देन 5 यूनिट के क्वेश्चंस आपने लिख लिए, तो इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना गाइज, तो आपको एक पैटर्न पता चलेगा. यू विल बी एबल टू एनालाइज द पैटर्न. अच्छा, यूनिट 1 से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 से इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं. यू विल हैव अ क्लियर आइडिया, जो शायद आप जो एक नॉर्मल प्रीवियस ईयर बुक जब आप उठाते तो उसको पलटते नहीं समझ में आता है. तो मेहनत करनी पड़ेगी, बट देन जब मैंने मेहनत कर ली तो आपको करने की क्या ज़रूरत है. सो फॉर सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन 7839575509, एंड ऑन मिनिमल फीस यू कैन अवेल दीज प्रीवियस ईयर पेपर्स. नाउ मेरा सब्जेक्ट तो कॉमर्स है, तो कॉमर्स वाले मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको सारे पेपर्स मिल जाएंगे. एंड ऑल द गाइज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट, पेपर 1 के भी आपको मेरे पास से मिल जाएंगे. बट हाँ, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जैसे अलग हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं इसको सॉर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वो पढ़ा नहीं है. ओके, सो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी. बट येस, फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स, आप इन दोनों सॉर्टेड ईयर पेपर्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा. सो दी सॉर्टेड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी मच नेसेसरी एंड वेरी मच क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन. सो नाउ, अब जब आपने सॉर्टेड प्रीवियस ईयर पेपर्स के नोट्स बना लिए गाइज, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सेग्रीगेट कर लिया, देन आपको सिर्फ टॉपिक्स पता चलने लगेंगे. उन टॉपिक्स को आपको अलग अलग सोर्सेज से, बुक से, गूगल से, अलग अलग तरीके से आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट आपके कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स तैयार हो जाए. नाउ दैट इज ऑल्सो अ हेक्टिक टास्क, बिकॉज आजकल हम सभी लोग जॉब्स में हैं, वी आर इन्वॉल्व इन टू समथिंग और दी अदर. सो इन इफ यू आर लुकिंग फॉर नोट्स एंड फॉर सॉर्टेड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल ऑफ द पैकेज, देन ऑल्सो यू कैन एनरोल फॉर ऑन और फॉर अवर ऑनलाइन क्लासेस. आई रन ऑनलाइन क्लासेस फॉर कॉमर्स एंड फॉर पेपर 1, दोनों का ही एक पूरा पैकेज होता है, पूरा कोर्स होता है जिसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है, राइट. सो यू कैन एनरोल, और वहाँ पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे, PDF एंड हैंड रिटन, विच आई यूज टू क्वालिफाई द एग्जाम 3 times, सॉर्टेड भी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा. बट इफ़ यू आर बिलोंग टू डिफरेंट सब्जेक्ट अदर देन कॉमर्स, then you have to prepare for yourself only. But yes, paper 1 के लिए आप मुझे contact कर सकते हैं, कॉमर्स वाले तो बिल्कुल contact कर ही सकते हैं, क्योंकि ये चैनल इज डेडिकेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ UGC नेट कॉमर्स. सो ये दोनों स्ट्रैटेजी होगी बेस्ट वे प्रिपेयर करने की. देन वी हैव टू फॉलो अ प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट शेड्यूल. ये नहीं कि आपने एक दिन प्रिपेयर किया बहुत जोश में और अगले दिन हो गए, ये नहीं करना है. क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी लेवल जब घट जाता है, सो यू आर नॉट एबल टू गो ऑन अ प्रॉपर ट्रैक, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. खुद के एक्सपीरियंस की भी बात बता रही हूँ. इसीलिए भले भले आप आधा घंटा पढ़े, 15 मिनट पढ़े, 20 मिनट पढ़े, 30 मिनट पढ़े, 1 घंटा पढ़े, बट कोशिश करिए कि लगातार पढ़ें, क्योंकि एक बार ब्रेक लग जाता है तो फिर वो ट्रैक में आने में टेक्स टाइम. ओके, सो मेक श्योर करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और अपने माइंड को ऐसे ट्यून करिए कि आपको पढ़ने में मजा आए, कुछ इंटरेस्टिंग वे सोचिए, है ना, बिकॉज यू हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम. ओके, इस एम, अगर ये आपका एम क्लियर है तो स्ट्रैटेजी बन जाती है. बट उस स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टू फॉलो अ कंसिस्टेंट प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल. अब आते हैं उस शेड्यूल में टाइम कितना डिवोट करना है. सो यू हैव टू डिवोट 70% ऑफ योर टाइम टू पेपर 2. अब ये मैंने पेपर 1 में बताई थी. फॉर एग्जाम्पल, आपका टोटल आवर्स आप कितने पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग फॉर 10 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल,
कोई बड़ी बात नहीं, आई यूज टू स्टडी फॉर 10 to 12 hours व्हेन आई क्वालिफाइड माई नेट एग्जाम। सो अगर आपने यू नो 10 hours हैं आपके पास, तो आपको 7 hours यू हैव टू डेडिकेट फॉर पेपर टू एंड रिमेनिंग 3 hours यू हैव टू डेडिकेट फॉर पेपर वन। सो यहाँ पे पॉइंट क्या है कहने का, कितना भी आप टाइम स्पेंड करते हो, 1 घंटा 15 मिनट, सो 15 मिनट तो नहीं हो पाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, टोटल टाइम जितना भी है इसको सेग्रीगेट कर लो कि आपको अराउंड 70% टाइम देना है पेपर टू की प्रिपरेशन को और 30% टाइम देना है पेपर वन की प्रिपरेशन को। इसके पीछे लॉजिक क्या है गाइस, पेपर वन इज़ वेरी जनरल, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है एंड यू आर नॉट एबल टू कम्प्लीट एवरीथिंग, और एग्जाम में कुछ ना कुछ बाहर से आ ही जाता है, राइट। बट वो पेपर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वही मदद करता है ओवरऑल आपको JLF और नेट क्वालिफाई कराने में। बट देन अगेन मैंने बोला ना कि स्मार्टली आपको प्रिपेयर करना है, सो पेपर वन को टाइम दीजिए इतना कि वो आपका क्वालिफाई हो जाए। और मेरिट कहाँ से बनाइए, पेपर टू से बनाइए, क्यों, क्योंकि वो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, वो आपके कहीं ना कहीं दिमाग में एकदम बैठे हुए हैं कंसेप्ट, उसको आपको सिर्फ पॉलिश करना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर नेट। ओके, आपने पढ़ी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी बट नेट में कुछ अलग पूछा जाता है, सो आपको अपनी यू नो प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है उस वे में कि आप यू नो अपने सब्जेक्ट के स्पेसिफिक पेपर को स्ट्रॉन्ग कर लें। इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पे आप थोड़ी सी मेहनत करोगे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, पेपर वन में कम ज़्यादा मेहनत करोगे हो सकता है कम रिजल्ट मिले, देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी। बट अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ज़्यादा टाइम दीजिए पेपर टू को क्योंकि वो आपकी मेरिट बनाने में और JRF क्वालिफाई कराने में हेल्प करेगा, वहीं पेपर वन भी इंपॉर्टेंट है। बट देन अगेन आई टोल्ड यू द रीज़न। सो यार ये सारी थी बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर पेपर टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आई होप यू गाइज लाइक इट। ओके, बहुत यू नो कम टाइम में हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, बट आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड एवरीथिंग सो दैट एक वीडियो में आपको सारा कुछ पता चल जाए, एंड ये सारे रॉ एक्सपीरियंसेस मैं आपसे यहाँ शेयर करती हूँ सो दैट यू नो यू आर एबल टू क्वालिफाई एंड यू आर एबल टू रिलेट टू मी, आप मेरे से रिलेट कर पाएँ और यू नो कुछ जो मैंने यहाँ स्ट्रैटेजीज बताई हैं उसको अपने आप से मॉडिफाई करके अपना यू नो टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी चैनलाइज कर ले। ये स्ट्रैटेजीज आपको कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी गाइज। ओके, सो अब आ जाते हैं हमारी कॉमर्स के ऑनलाइन क्लासेस पे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर रनिंग अवर ऑनलाइन क्लासेस फॉर कॉमर्स एंड फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 7839575509। वी ऑल्सो हैव क्लासेस फॉर UGC नेट पेपर वन, सो ये आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा इफ़ यू आर एनरोलिंग। एंड फॉर डेमो लेक्चर्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द सेम नंबर, ये हमारा नंबर है, इस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड यू विल बी एबल टू गेट द क्लासेस। इन केस आपका सब्जेक्ट कोई दूसरा है सो आप सिर्फ पेपर वन के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। जो आपको चीज़ें मिलेंगी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में, इट्स ऑल अबाउट यूनिट वाइज PDF नोट्स, हैंड रिटन मटेरियल अलग अलग यूनिट वाइज के मिलेंगे, पूरे 20 यूनिट्स के मिलेंगे, PDF हैंड रिटन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जो चीज़ें यू नो PDFs के थ्रू एक्सप्लेन नहीं हो सकती वो वीडियोस के थ्रू आपको करवाई जाएंगी, विच आर यू नो टोटली एक्सक्लूसिव टू द मेम्बर्स हु एनरोल फॉर अवर कोर्स, दीज आर नॉट पब्लिक वीडियोज। एंड देन आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी, वी आर यू नो एमिंग टू सॉल्व योर क्वेरीज 24/7। ओके, सो येस वी हैव डिज़ाइन अ कोर्स इन अ वे दैट यू नीड नॉट रिफर टू अदर मटीरियल्स बिकॉज इफ यू आर एनरोलिंग वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स फॉर ऑल द टॉपिक्स। बट येस देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर अदर थिंग्स, अगर आप कहीं और से पढ़ना है यू कैन ऑलवेज सोर्स अदर यू नो बुक्स एंड रिसोर्सेज। बट येस हमने ट्राई किया है कि हमारे यू नो कोर्स में जब आप एनरोल करें तो सारा कुछ जो UGC नेट में पूछा जाता है वो आप तक पहुँचाया जाए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिला होगा, थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी गाइज। सो येस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड येस अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा बताने का तरीका या स्ट्रैटेजी, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल वी मीट नेक्स्ट, नमस्ते, बाय बाय।